और बड़ी खबर आ रही है कोलकाता डॉक्टर बेटी के मर्डर केस से जुड़ी हुई। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी गई दूसरी चिट्ठी का जवाब दे दिया है। जवाब महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी की तरफ से ही दिया गया। पत्र में लिखा गया कि फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट विशेष रूप से रेप और पॉक्सो अधिनियम के मामलों से निपटने के लिए बनी है। पश्चिम बंगाल में 48,600 बलात्कार और पॉक्सो के मामले लंबित हैं। इसके बावजूद राज्य ने अतिरिक्त 11 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को चालू नहीं किया। केंद्र सरकार ने कहा कि पॉक्सो के पेंडिंग केस को लेकर ममता सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर ममता बनर्जी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी को 8 दिन में दूसरी चिट्ठी लिखी थी और इस पर अब पलटवार करते हुए पश्चिम बंगाल पर सरकार पर उंगली उठाई गई है। सरकार पर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की संख्या न बढ़ाने का आरोप केंद्र सरकार की ओर से जवाब में लगाया गया है। तो ममता बनर्जी, कोलकाता में हुई रेप और हत्या की घटना के बाद से इस मामले में केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही हैं, सीबीआई को सवालों के घेरे में खड़ा कर रही हैं और इसी बहाने ये दावा कर रही हैं कि वे महिला अधिकारों की चैंपियन हैं। लेकिन इस पर बीजेपी लगातार पलटवार कर रही है और केंद्र सरकार की ओर से ममता बनर्जी पर आरोप लगाया गया है कि वे अपनी गलती छिपाने के लिए इस तरह के लेटर लिख रही हैं और सवाल खड़े कर रही हैं केंद्र सरकार पर, जबकि पहले से तय कानून बने हुए हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की भी संख्या बढ़ाने की जरूरत थी लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने उस पर काम नहीं किया और अब इस मामले में अपनी गलती छिपाने के लिए चिट्ठी पर चिट्ठी लिख रही हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स चालू नहीं किए हैं 11, ये केंद्र सरकार की ओर से जवाब दिया गया। ममता बनर्जी ने अपने पत्र में लिखा था कि बंगाल में 88 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं। वहीं कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ रही है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछे गए कई सवाल, पॉलीग्राफिक टेस्ट के दौरान सीबीआई ने ये सवाल पूछे हैं। घोष की कॉल डिटेल्स भी निकाल रही है सीबीआई। संदीप घोष जो कि आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल हैं और सवालों के घेरे में हैं, उनसे कई सवाल पूछे गए हैं। संदीप घोष से लगातार सवालों का सिलसिला जारी है और इन सबके बीच पॉलीग्राफिक टेस्ट, जिसे लाइट डिटेक्टर टेस्ट भी कहा जाता है, उसके दौरान कई सवाल पूछे गए हैं। संदीप घोष की कॉल डिटेल्स भी निकाली जा रही है। संदीप घोष का यह दावा है कि 9 अगस्त को सुबह काफी देर से उन्हें जानकारी मिली थी डॉक्टर की हत्या को लेकर के। तो कोलकाता रेप मर्डर केस में आरजी के मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल से सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। पॉलीग्राफी टेस्ट में उससे क्या क्या सवाल किए गए हैं आपको वो भी बताते हैं। डॉक्टर बेटी के परिवार को घटना की सूचना किसने दी? शुरुआत में ये जानकारी मिली थी कि उन्हें यह बताया गया था कि खुदकुशी की गई है। फोन करने वाले को ऐसा कहने के लिए किसने कहा था? पुलिस जब अस्पताल पहुंची तो वहां संदीप घोष क्यों नहीं थे जबकि वो प्रिंसिपल हैं, आरजी कर अस्पताल के कर्ता धर्ता उस समय थे। 18 दिनों से रटा रटाया जवाब दे रहा है संदीप घोष, ये भी जानकारी मिल रही है। अपने बयान पर टिका हुआ है, बार बार दोहरा रहा है अपनी बात, लेकिन उसकी भूमिका कहीं ज्यादा हो सकती है। लिहाजा पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान कई सवाल सीबीआई ने उससे किए हैं। Z News.